रामबाग गोल्फ क्लब में बैठकर आनंद शांडिल्य और मनीष बराल ने बनाई थी फिरौती मामले की भूमिका। जवाहर नगर थाने में 7 सितंबर को परिवादी ने अपने परिवाद में मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद जवाहर नगर थाना टीम डीसीपी ईस्ट टीम ने लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से जयपुर लेकर आए थे। जवाहर नगर थाना द्वारा आनंद शांडिल्य को तिलक नगर से एक अपार्टमेंट में से गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ के दौरान अभी जारी है। गुरुवार को जवाहर नगर थाना अधिकारी अरुण पूनिया आनंद शांडिल्य को लेकर रामबाग गोल्फ क्लब टीम के साथ तफ्तीश के लिए पहुंचे। आनंद शांडिल्य ने वो जगह बताई जहां टेबल पर बैठकर शांडिल्य और मनीष बराल ने फिरौती का मामला तय किया था। थाना अधिकारी ने क्लब के मैनेजमेंट से भी मालूमात की, जिन्होंने शांडिल्य और मनीष के वहां पर अटेंड किया था। जगह का पूरा नक्शा मुआयना किया गया और मैनेजर प्रताप सिंह से ही पूछताछ की गई। शांडिल्य ने थाना अधिकारी को बताया कि वो क्लब में गोल्फ खेलकर आया था और मनीष बाहर से आया था। टेबल पर बैठकर दोनों ने पूरी तरह से भूमिका तैयार की और परिवादी के नंबर दिए। मनीष अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। सवाल ये उठता है कि रामबाग गोल्फ क्लब जैसी जगह पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की मेंबरशिप क्या देते हैं, जबकि जयपुर के डीजीपी जैसी शख्सियत भी क्लब से जुड़ी हुई है। शांडिल्य क्लब कमेटी के गले की फांस बन चुका है। बताया गया कि क्लब के रूल्स में है कि आपराधिक प्रवृत्ति को गोल से फौरन निकाला जाए, मगर शांडिल्य को क्लब से बाहर का रास्ता कौन दिखाएगा, सवाल इस बात पर उठता है। इससे पहले भी शांडिल्य जेल जा चुका है, उसके बावजूद भी क्लब का सदस्य है, यानी क्लब की आड़ में डॉन पनप रहे हैं और क्लब मेंबर्स आंखें कान मुंह बंद करके बैठे हैं। सवाल यह है कि क्लब कमेटी को शांडिल्य का बैकग्राउंड मालूम नहीं था, जो अब तक उसका मेंबर बना हुआ है। आनंद शांडिल्य द्वारा ये जो प्रकरण अभी लॉरेंस प्रकरण चल रहा है ज्वलंत अभी जयपुर में, इस प्रकरण की जो स्टार्टिंग में भूमिका बनाई गई थी वो आनंद शांडिल्य द्वारा अपने एक साथी सुभाष बराल, जो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, उसके साथ बैठ के 6 तारीख को, इसी महीने की 6 सितंबर को, इन्होंने यहाँ गोल्फ क्लब में जो अंदर इनकी कैफेटेरिया एरिया है वहाँ बैठ के मॉर्निंग में 9:30 बजे के करीब जो योजना बनाई थी, यहीं पर आनंद शांडिल्य द्वारा सुभाष बराल को परिवादी हैं उनके मोबाइल नंबर और उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी। उसी गिरफ्तारी के दौरान, अनुसंधान के दौरान, इसके द्वारा इतला दी गई थी कि भी मैंने जिस जगह सुभाष बराल को परिवादी के मोबाइल और उसकी जानकारियां उपलब्ध करवाई थी कि वो बता सकता हूँ, तो अनुसंधान के लिए उस जगह को वेरीफाई कराने के लिए इसको यहाँ लेके आए। सुभाष बराल मीडिएटर था, उसी ने जानकारी लॉरेंस तक पहुँचा। हाँ, सुभाष बराल द्वारा जो अनुसंधान के दौरान सामने आया कि इसने सुभाष बराल को उपलब्ध करवाई, सुभाष बराल द्वारा ये जानकारी आगे संपत नेहरा और लॉरेंस तक पहुँचाई। इसी व्यक्ति का जानकारी क्यों दी गई, कोई इसकी भी रंजिश की गई? नहीं, इनके आपस में रंजिश नहीं है, ये पहले से एक दूसरे को आपस में ये जानते थे और ये भी प्रॉपर्टी का दिलवाने और लेन देन का आपस में व्यवसाय करता रहता है। डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, पहले की जो प्रोफाइल रही है उसमें डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करना, उनमें धमकी दिलवा के उनको सस्ते दामों में लेना करना, इस तरह की पहले की इसकी प्रोफाइल जो रही है उस तरह के मुकदमे भी दर्ज हैं। तो इसी मार्फत इसकी परिवादी से जानकारी हुई थी, उसने परिवादी को कहीं एक प्रॉपर्टी दिलवाने का प्रयास किया था, लेकिन परिवादी की इस तरह की प्रोफाइल नहीं है तो उन्होंने इसे नकारा दिया। अपने मामले के अलावा किसी में वांछित था क्या आनंद शांडिल्य? आनंद शांडिल्य अभी वर्तमान में अपने अलावा किसी में वांछित नहीं था। ये करीब 1.5 साल पहले 2018 में ये अजमेर जेल से जिस मुकदमे में बंद था उनमें जमानत पर रिहा होकर बाहर चल रहा है। बराल किसी में वांछित चल रहा है? बराल अभी मेरी जानकारी के अनुसार कहीं वांछित नहीं है मेरे मुकदमे के अलावा। अभी और जानकारी चल रही है, अनुसंधान चल रहा है, उसमें अगर कहीं वांछित होगा तो उसका रिकॉर्ड भी जुटाया जा रहा है। अगर चीज़ गोल्फ क्लब से भी कुछ लिखेंगे इस तरह आपराधिक? हाँ, गोल्फ क्लब से भी संबंध में हम जानकारी अनुसंधान के दौरान जो आवश्यकता होगी बिल्कुल उसमें पूछताछ करेंगे, इनसे जो भी हमारे अनुसंधान के दायरे में जो चीज़ें आएंगी जानकारी लेंगे।